देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं जैसे कि पर्वतीय जो प्रदेश हैं, पर्वतीय स्थल है, उनको राहत पहुंचाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो किस तरीके से प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो पर्वतीय पर्यटन है उनको स्थल को बढ़ते हुए ट्रैफिक को काफी समय से घुटता हुआ मतलब घुटन अनुभव हो रही है, क्योंकि पर्वतों में क्या है ज्यादातर जो है आपके वाहन जा रहे हैं, जैसे निरल माथे नदी की ये मुंबई का एरिया है या पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर ट्रैफिक बढ़ गया है। और इन क्षेत्रों में बढ़ता हुआ प्लास्टिक का कचरा, कई वन्य पशुओं का उन्मूलन व दक्षिण भारतीय नीलगिरी वनों में हाथियों का अवैध शिकार, क्योंकि अगर हम बात करें दक्षिण भारत में तो नीलगिरी के वनों में वहां पर हाथियों का शिकार होता है, हाथियों के दांतों को बेचा जाता है, व्यापार होता है, बिजली के तारों से हाथियों की मौत हो जाती है, रेलवे के ट्रैक पर हाथियों की मौत हो जाती है। इन मुद्दों पर दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। और मद्रास हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिए हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो इन मामलों में बनाई गई खंडपीठ के दबाव में राज्य सरकार ने आईआईटी मद्रास और अन्य विश्वविद्यालय के माध्यम से वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद घाट की सड़कों के लिए वहन क्षमता तय करने, वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की है कि जो वाहन जाएंगे उनकी वहन क्षमता क्या होगी, मतलब कितना वजन वो ले जा सकते हैं, वहन क्षमता नियंत्रित करने की और आवाजाही को नियंत्रित करने पर सहमति व्यक्त की है। और इसके लिए किसका लिया है, सरकार ने आईआईटी मद्रास और अन्य विश्वविद्यालय के माध्यम से वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए सहमति जताई है कि हम वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे और उसके बाद में ही कुछ आगे की कार्यवाही करेंगे। दूसरा क्या किया सरकार ने, पीठ ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्यटकों की तलाशी लेने, प्लास्टिक की पानी की बोतलों सहित हानिकारक प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने का यहाँ पर पीठ ने सुझाव दिया है कि प्रवेश बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित करने का आदेश दिया है ताकि प्लास्टिक है वो अंदर ना जाए और लोग हैं अंदर प्लास्टिक ना फैलाए। साथ ही हिल स्टेशनों पर वाटर डिस्पेंसर लगाने को प्रोत्साहित किया है कि हिल स्टेशनों पर वाटर डिस्पेंसर लगाया जाए, ठीक है। और एक और क्या सुझाव दिया है हाई कोर्ट ने, जंगलों में छोड़ी गई शराब की खाली बोतलों के कांच के टुकड़ों से जानवरों को गंभीर चोट पहुंचती है, तो पीठ ने तमिलनाडु राज्य विपणन निगम को खाली बोतलें वापस करने के लिए बोतल बाई बैक शुरू करने के लिए प्रेरित किया गया है कि जो भी बोतल है उसको वापस से खरीदा जाए, जो भी खाली बोतल है उसको वापस से खरीदा जाए। सुरम्य और सुखद जलवायु वाले सभी पर्वतीय स्थल पिछले कुछ दशकों से अपने बुनियादी ढांचों पर दबाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी ओर इनकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है, जो भी आसपास के क्षेत्र है उनकी अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर ही निर्भर करती है। ऐसे में मद्रास उच्च न्यायालय का यह प्रयास प्रशंसनीय है और आशा है कि इन स्थलों से जुड़े राज्य स्थायी पर्यटन और पर्यावरण की सुरक्षा को सक्षम करने के उपाय है वो यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे ताकि आने वाले समय में पर्यावरण पर इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े। और ये जो लेख है ये हमने जो सुनाया है आपको ये द हिंदू में प्रकाशित हुआ था, मोहम्मद इमरानुल्ला ने इस लेख को लिखा है, 3 अप्रैल 2024 का ये लेख है, तो वहां से ये डेटा लिया गया है और AFEIS का ये कंटेंट है। तो आपको ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, धन्यवाद।